तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रेफरेंस सीट की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए उन सभी कैंडिडेट के लिए जो डीयू को टारगेट कर रहे हैं, और कोर्स की बात करें तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करना चाह रहे हैं बीए ऑनर्स का डीयू से, तो आपकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ताकि एक अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल पाए और अच्छा आउटकम मिले। बिल्कुल ये जरूरी है आपके लिए। क्या है सारी चीजें, उससे पहले आपको दोस्तों पे शेयर कर देना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी आपको सीयूटी से रिलेटेड मिलती रहे, यहाँ चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए सीयूटी में क्या कैसा इन्होंने एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक रखी थी, वही है सारा। एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, लैंग्वेज वाले सेक्शन से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट मतलब लिस्ट B1 से, और कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 से होना चाहिए। ये आप फुलफिल करते हैं तो CUET के मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। बढ़िया, तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस आप देखेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे। आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, बग्नी निवेदिता, भारती कॉलेज, दौलतराम, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु, दयाल सिंह, गार्गी, हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी मेमोरियल, जीजस मैरी, गलिंदी, कमला नेहरू, किरोली मल, हाँ, लेडीज श्रीराम, लक्ष्मीबाई, महाराजा अग्रसेन, मैत्रेयी कॉलेज, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू, PGDAB, राजधानी कॉलेज, रामलाल आनंद, रामानुजन, रामजस, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अरविंदो, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन। यानी 46 ऑप्शंस आपको हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो सारे मिलेंगे आपके फॉर्म में। जैसे ही आप प्रेफरेंस ऑर्डर पर जाएंगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करके ये सारे कॉलेजेस A to Z ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में होंगे। आपको क्या करना है, उनको प्रेफरेंस देना है कि पहले नंबर पे हम इसको प्रेफरेंस देते, दूसरे पे इसको प्रेफरेंस देते। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या है और आपको करना क्या है। आपको यही करना है कि आपके पूरे में पूरे मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से इसको भरना है। हम क्या करने वाले हैं, कॉलेज की रैंकिंग, उसकी प्लेसमेंट के रिकॉर्ड, उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इनकी क्या फैसिलिटीज हैं, फेस्ट टेस्ट और बाकी सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए लोकेशन के क्राइटेरियाज देख लें, कौन कितना ज्यादा दूर पड़ता है, क्या उस हिसाब से हमने इनको रैंकिंग दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आपको भी वही करना है ना, कितने भी मार्क्स हो आपको मिलेगा अच्छे से अच्छा कॉलेज अपग्रेड करने में, तभी मिलेगा ना सारी चीज़ें। तो भाई क्या होनी चाहिए प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपको यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए, जिसकी अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये होना चाहिए। सबसे पहली प्रेफरेंस आप यहाँ देंगे, क्या है वो, हिंदू कॉलेज, जी हाँ। उसके बाद दूसरा लेडी श्रीराम हो जाएगा, तीसरा रामजस हो जाएगा, चौथा किरोरी मल हो जाएगा, फिर मिरांडा को पांचवें नंबर पर रखना है, वेंकटेश्वर या बैंकी को छठवें नंबर पर, गार्गी कॉलेज सातवें पे, जीजस मैरी आठवें पे, गुरु तेग बहादुर खालसा नौवें पे, दौलतराम दसवें पे, आत्माराम 11, फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स 12, ठीक है, फिर 13 शहीद भगत सिंह, 14 दयाल सिंह, 15 कमला नेहरू, 16 मोतीलाल नेहरू, 17 मैत्रेयी, 18 19 अरविंदो, रामलाल 20 और देशबंधु 21। हम पूरे नहीं रख रहे 46, बाकी के आप रख सकते हो, लेकिन ये आपकी प्रेफरेंस में फर्स्ट टू 21 होने ही चाहिए, ठीक है ना भैया। इसके बाद आपको आपके जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये यहाँ आपके लिए हो जाएगा। अब हम उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, जो हिस्ट्री चाह रहे हैं, हाँ भाई, जो हिस्ट्री चाह रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए क्या कैसे क्राइटेरियाज हैं सबसे पहले वहां अपन डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री कोर्स के लिए क्या आपके स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, दूसरी चीज कौन कौन से कॉलेजेस आपको वो कोर्स जो है ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये है हिस्ट्री ऑनर्स, क्या ऑप्शन है आपके पास, स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है आपका वो वही है लगभग, ऐसा कुछ अलग नहीं है, है ना, जो पॉलिटिकल साइंस का था। कोई एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, कोई दो सब्जेक्ट B1 से, कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 से,
ठीक है, क्या क्या कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर हो रहे हैं, लगभग वही कॉलेज हैं, ठीक है, आर्यभट्ट, आत्माराम सनातन धर्म, भगनी निवेदिता, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये उसमें नहीं था, ये यहाँ है, दौलतराम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, देशबंधु कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, दयाल सिंह, गार्गी, हंसराज, हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, जीजस एंड मैरी, कलिंदी, कमला नेहरू, किरोरी मल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल, PGDAB, राजधानी, रामजस, रामलाल, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शिवाजी, श्यामलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु नानक देव, खालसा और गुरु तेग बहादुर, खालसा कॉलेज, वेंकटेश्वर, सेंट स्टीफन, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद, जाकिर हुसैन, 45 ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमको क्या अपनी प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है, तो हिस्ट्री वालों के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हिस्ट्री वाले बच्चे क्या करेंगे, जो भी है, सॉरी, सबसे पहली प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, सेंट स्टीफन्स को देनी है। हाँ भाई, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। इसके बाद बात करें तो सेकंड प्रेफरेंस हिंदू को देंगे, लेडी श्रीराम थर्ड, मिरांडा फोर्थ, हंसराज फिफ्थ, गार्गी सिक्स, रामजस सेवेंथ, किरोरीमल एट्थ, वेंकटेश्वर नाइन्थ और दौलतराम दस। इसके बाद 11वें पे जीजस मैरी आ जाएगा, 12वें पे गुरु तेग बहादुर खालसा, इंद्रप्रस्थ, फिर आत्माराम, 14 पे दिल्ली कॉलेज, 15 पे शहीद भगत सिंह, दयाल सिंह 16 पे, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी 17, मैत्रेयी 18, कमला नेहरू 19। इसके बाद क्या आप भर लेना है ना, हाँ, जो आपको रखनी है आपकी प्रेफरेंस रख लो। पहली ये प्रेफरेंसेस होनी चाहिए फर्स्ट टू 19 आपकी, ताकि आपको इनको ही प्रेफर करना, ये आपके टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा आप बात कर लेते हैं किसकी, ज्योग्राफी वाले बच्चों की भी, कि जो ज्योग्राफी आप चुनना चाह रहे हैं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर से अपन पहले वो देख लें कि इनके क्या स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसके बाद फिर अपन वो कॉलेजेस को प्रेफर करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, ये जो है ज्योग्राफी वाले बच्चे है ना, देख रहे हैं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, क्या इनकी स्पेसिफिक वही सारी एलिजिबिलिटी है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए A1 से, कोई दो सब्जेक्ट B1 से, कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 से, ठीक। आपने इसको अगर कर लिया तो एलिजिबल है। कौन कौन से कॉलेज हैं, ज़्यादा कॉलेज यहाँ नहीं है, अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयाल सिंह, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, कलिंदी, कमला नेहरू, किरोरीमल, मिरांडा, शहीद भगत सिंह, मॉर्निंग इवनिंग दोनों हैं, है ना, शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी श्रद्धानंद, 13 ऑप्शन। अब ये सीट इनटेक है इनके, हमें क्या प्रेफरेंस में रखना है अपने इस प्रेफरेंस में, तो भैया ज्योग्राफी वाले बच्चों को याद रखना है, क्या है हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए यहाँ पर ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए। सबसे पहली प्रेफरेंस, हाँ हम सारे नहीं रख रहे हैं, ठीक है, मिरांडा सेकंड, किरोरीमल, शहीद भगत सिंह थर्ड, IP फोर्थ, दयाल सिंह फिफ्थ, शिवाजी सिक्स्थ और कमला नेहरू 7। उसके बाद के बचे 6 हैं, तो वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, हमने सब पे बात कर ली, चाहे आप बीए ऑनर्स के जो प्रोग्राम हैं कौन कौन से, हमने पहले बात करी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बाद हमने हिस्ट्री वाले बच्चों की बात कर ली, क्या कैसी कट ऑफ प्रेफरेंस होनी चाहिए, और ज्योग्राफी की बात कर ली। अगले वीडियो में बाकी और कोर्सेज के साथ हम आएंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ये प्रेफरेंस होनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज मिल पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में अगले कोर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।